दोस्तों भारतीय टीम के शेरों ने न्यूजीलैंड की खुशियां मातम में बदल दी। न्यूजीलैंड की गेंदबाज और कप्तान, न्यूजीलैंड की पूरी टीम भारतीय टीम को 46 रनों पे ऑल आउट करके काफी ज्यादा कूद रही थी, उछल रही थी। लेकिन शायद न्यूजीलैंड की टीम को ये नहीं पता था कि भारतीय टीम के खुखार विस्फोटक शेर अगर दो कदम पीछे की ओर हटते हैं तो 6 कदम आगे की ओर भी उछाल मारते हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, फिर विराट कोहली, तो वहीं सरफराज खान और ऋषभ पंत ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि तूफानी विस्फोटक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। हर किसी को यही लग रहा था कि भारतीय टीम, भारतीय फैंस को भी यह लग रहा था कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला किसी भी हाल में जीत नहीं सकती है न्यूजीलैंड से, क्योंकि यह मुकाबला इतना रोमांचक और भारतीय टीम के लिए फंस चुका था। क्योंकि जब भारतीय टीम पूरी की पूरी 46 रनों पर ऑल आउट हो गई, उसके बाद क्या ही उम्मीद हम कर सकते थे भारतीय टीम से। लेकिन भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जिसको देखकर हर किसी के मुंह से बस यही शब्द निकला कि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जो विश्व की नंबर वन टीम है। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे तो शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी भारतीय टीम ने इतने रनों से जीत लिया पहला टेस्ट मुकाबला जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सब कुछ पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे दिन भारतीय टीम के शेर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पहुंचे तो दोनों विस्फोटक बल्लेबाज छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोकने लगे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की 6 गेंद पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। यशस्वी जायसवाल भी काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर टटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल जब 35 यानी कि 35 रन ठोक करके आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली, तो वही रोहित शर्मा भी अर्धशतक की ओर जा रहे थे। 21वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 2 आसमारी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली भी काफी ज्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली का भी गुस्सा 7वें आसमान पर था। विराट कोहली ने 23वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों 24वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और एक चौका फिर यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने ठोक दिया। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धो रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम की सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा 52 यानी कि 52 रन ठोक करके आउट हो गए। जैसा ही रोहित शर्मा आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हर किसी को लगा कि अब भारतीय टीम को जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों फिर मैदान पर एक ऐसा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने हर किसी का जो है विचार गलत कर दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और उनको भी धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो जीत का जश्न मना रहे थे। न्यूजीलैंड के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सरफराज का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे। सरफराज खान ने 30वें ओवर की 6 गेंदों पर आते ही 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सरफराज खान की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। सरफराज खान ने छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। 32वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का सरफराज खान ने फिर ठोक दिया। सरफराज खान के ऊपर सारी की सारी टीम इंडिया की जिम्मेदारी थी, यह हर किसी को पता था, क्योंकि दोस्तों सरफराज खान ही एक ऐसा बल्लेबाज था जो टीम का स्कोर हाईएस्ट तक ले जा सकता था और न्यूजीलैंड की टीम को लीड दे सकता था। लेकिन यहां पर किसी को नहीं लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम लीड देगी इतने रनों की, क्योंकि दोस्तों मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी तो कर रहे थे लेकिन सरफराज खान का बल्ला तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर भी काफी ज्यादा हाई रेस्ट पर था। विराट कोहली ने दोस्तों 41वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। और दोस्तों यहां पर दोस्तों जैसे ही विराट कोहली आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। तो वहीं दोस्तों हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर चौथे दिन ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान का तूफान आया। सरफराज खान और ऋषभ पंत काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। सरफराज खान ने दोस्तों तूफानी विस्फोटक अंदाज में चौथे दिन की पहले ओवर में 2 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तीसरे ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने 4 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। सरफराज खान, ऋषभ पंत यहां पर दोस्तों
ऐसा लग रहा था कि टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेल रहे हो। ऋषभ पंत और सरफराज खान का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। सरफराज खान ने दोस्तों 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 चौके की मदद से शतक पूरा कर दिया। सरफराज खान ने अपने बल्ले को लहराते हुए सेंचुरी पूरी कर दी और मैदान पर हाहाकार मचाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान को खुला चैलेंज कर दिया कि यह पहला टेस्ट मुकाबला जीत कर दिखा दो। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। सरफराज खान के पिता और सरफराज खान की पत्नी स्टेडियम में बैठकर अपने मुकाबला देख रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, सरफराज खान के बल्ले को देखकर हर कोई हैरान था। कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए जब सरफराज खान ने बेहद जल्दी अपने जो 150 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों 45वें ओवर की 6 गेंदों पर सरफराज खान ने 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। 46वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का पंत ने ठोक दिया। पंत भी अर्धशतक ठोक चुके थे और अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों विस्फोटक शेर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। सरफराज खान और ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर करके भी पसीने छूट गए। यानी कि भारतीय टीम जब दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के पहली इनिंग में 46 रनों पर आउट हो जाए, उस भारतीय टीम की हालत और हालात क्या होंगे, क्योंकि दोस्तों या तो सामने वाली टीम के 150 रन हो, क्योंकि सामने वाली टीम के भी लगभग 400 से ऊपर रन थे, लीड भारतीय टीम को दे रखी थी 400-500 की। लेकिन अब भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लीड उल्टा जो है न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर चढ़ा दी। न्यूजीलैंड की टीम के पसीने छूट गए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान यही देख रहे थे कि आखिरकार सरफराज खान ऋषभ पंत को हो क्या गया है। सरफराज खान ने धीरे धीरे 180 रन पार कर चुके और अभी भी नॉट आउट और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करते। भारतीय टीम की जीत निश्चित है और भारतीय टीम यहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ईश्वर से दुआ कामनाएं बना रखे कि हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।